2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। महात्मा गांधी शांति अहिंसा के प्रतीक रहे हैं, न सिर्फ हमारे देश के लिए बल्कि विश्व के लिए। उसी के उपलक्ष्य में जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा ये शांति यात्रा पूरे यूटी में निकाली जा रही है, तो वो हमारे जनपद में भी आई है। तो उसी का स्वागत, उसी का संदेश जिले के सभी लोगों तक पहुँचाने के लिए ये कार्यक्रम आज किया गया है। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध होगा कि आपके माध्यम से भी जो शांति और अहिंसा का संदेश महात्मा गांधी जी ने दिया है, उसको हमको गांधी जयंती पर एक बार फिर से याद करना चाहिए और अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहिए। कितने किलोमीटर तय करेगी ये पूरे यूटी को, पूरे जम्मू कश्मीर को कवर करेगी ये यात्रा। और प्रयास वही है कि जिस प्रकार गांधी जी ने अपने जीवन काल में शांति और अहिंसा का संदेश दिया था और लोगों के बीच जाके और साथ चल के अलग अलग यात्राओं के माध्यम से अपने संदेश को पहुंचाया था, उसी संदेश को आज के बदलते परिवेश में भी, क्योंकि उसका महत्व बहुत ज़्यादा है, एक बार दोबारा से हम जोर से रख सकें, वही प्रयास कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा ना, शांति और अहिंसा ऐसे सिद्धांत हैं जिनकी आवश्यकता आज के समय में और ज़्यादा है विश्व को पहले की तुलना में। तो पूरे जम्मू कश्मीर में ये संदेश अलग अलग जनपदों के माध्यम से जा रहा है, हमारे जनपद में अब आया है कठुआ जनपद में, और मुझे पूरी अपेक्षा है कि आप लोगों के माध्यम से और इस यात्रा के माध्यम से सभी लोग वो चीज़ और पहले से जानते हैं, लेकिन उस चीज़ को वापस अपने जीवन में आत्मसात करेंगे और उन सिद्धांतों को जो महात्मा गांधी जी ने हमें दिए हैं उनको